प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के दौरे पर रहे। पीएम मोदी बीते 70 दिनों के अंदर दूसरी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरे पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पीएम मोदी ने गोबर, गरीब, सनातन धर्म जैसे कई बड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर कटाक्ष किया। यहां तक कि अपने भाषण में उन्होंने 50 साल पहले इंदिरा गांधी के काल को भी याद कर लिया। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ में गरजे पीएम मोदी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ में बीजेपी के विजय शंखनाद रैली में शामिल हुए। यहां उन्होंने तीजापुरा त्यौहार की छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पूरा भारत खुशियों का त्यौहार मना रहा है। कुछ दिन पहले वैज्ञानिकों ने भारत को चांद तक पहुंचा दिया। जैसे कहा जाता है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, उसी तरह अब दुनिया के लोग कह रहे हैं कि भारत का चंद्रयान सबसे बढ़िया। भारत उपलब्धियों का जश्न मना रहा है। भारत ने G20 की मेजबानी कर छोटे देशों को भी मंच दिया। पीएम मोदी ने कहा कि G20 को सफल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ की भी भागीदारी है। इस बीच पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने विपक्ष की बहुत सी योजनाओं को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कोई गाय के गोबर में भी भ्रष्टाचार करे तो समझ लीजिए उसकी मानसिकता क्या होगी। आप कल्पना करिए, अगर कोई गाय के गोबर में भी भ्रष्टाचार करे तो उसकी मानसिकता क्या होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों को कांग्रेस सरकार के कारण पीएम आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस सिर्फ घोटालों की राजनीति करती है और हवा हवाई दावों में जुटी रहती है। गरीब कल्याण में पीछे, भ्रष्टाचार में कांग्रेस सरकार आगे बढ़ रही है। कांग्रेस तब भी गरीबी के मुद्दे पर चुनाव लड़ती थी और अब भी गरीबी पर चुनाव लड़ रही है। बता दें कि पीएम मोदी ने शराबबंदी का मामला भी जमकर उठाया और कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की बहनों से शराबबंदी का वादा किया लेकिन शराब में ही घोटाला कर दिया। गाय के गोबर में ही कांग्रेस ने भ्रष्टाचार कर दिया। भ्रष्ट सरकार ने खनिज संपदा को भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस खनिज संपदा को ATM की तरह इस्तेमाल कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड और भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को कांग्रेस के, उनकी जो पार्टी है ना, वो कांग्रेस के ATM की तरह उपयोग किया जा रहा है। ATM की तरह झूठा प्रचार और आकंठ भ्रष्टाचार, यही छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार की पहचान है। और वो तो कहते हैं बहुत सालों के बाद मौका मिला है और इसके बाद मिलने वाला नहीं है, यही समय है, जितना लूट सको लूटो। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड और भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी के कांग्रेस काल को याद कर लिया। उन्होंने 50 साल पहले की बात करते हुए कहा कि 50 साल पहले इंदिरा जी के जमाने में कांग्रेस ने गरीबी हटाने का नारा दिया था, आज भी उसी नारे के साथ राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में मुफ्त राशन बिना किसी घोटाले के लोगों तक पहुंच रहा है। आयुष्मान भारत के तहत लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर 400 रुपए सस्ते मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन से संबोधित करते हुए प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश के खिलाफ आज जो साजिश हो रही है उसके प्रति जागरूक कर रहा हूं। जो लोग लगातार चुनाव हार रहे हैं, जिनको आपने केंद्र से बाहर कर दिया, उन लोगों ने गठबंधन बना लिया। उन लोगों ने तय किया कि वो सनातन को तोड़ना चाहते हैं। सनातन संस्कृति वो है जिसने राम शबरी के झूठे बेर खाते हैं, जहां राम वनवासियों को अपने भाई से भी बड़ा बनाते हैं। सनातन संस्कृति वो है जहां राम नाव चलाने वाले केवट को गले लगाते हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी से लेकर विवेकानंद तक, अहिल्याबाई से मीरा तक, सनातन संस्कृति सभी को प्रेरित करती है। सनातन संस्कृति को समाप्त करने का ऐलान इंडिया अलायंस ने किया है। छत्तीसगढ़ और देश के लोगों को इनसे सतर्क रहना है। और साथ ही बता दें कि रायगढ़ जिले के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 6,350 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण रेल क्षेत्र परियोजनाएं देश को समर्पित की है। पीएम मोदी ने कहा आज छत्तीसगढ़ को 6,400 करोड़
रुपए से ज्यादा की रेल परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। आज यहां सिकल सेल परामर्श कार्ड भी बांटे गए। आधुनिक विकास की तेज रफ्तार के साथ ही गरीब कल्याण में भी तेज रफ्तार का भारतीय मॉडल आज पूरी दुनिया देख रही है और उसकी सराहना कर रही है। अब देखना यह होगा कि पीएम मोदी के इस दौरे से आगामी विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा और अगर और इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।